हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर, बट ट्रैवल फोटोग्राफी भी करता हूँ। आज काम नहीं था इसलिए घूमने चला आया और सोचा क्यों ना सम पिक्चर खींच लिया जाए नेचर का। तो यहाँ का जो नेचर आप देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया नेचर है, इसलिए इधर चला आया। और आते टाइम देखा आज धूप डिस्टर्ब कर रहा है, कभी आ रहा है धूप, कभी जा रहा है। तो ये लाइट का प्रॉब्लम एडजस्ट करना पड़ता है कैमरा में। वो तीन चीज़ है लाइट एडजस्ट करने का, एक था ISO, एक शटर स्पीड और तीसरा एपर्चर। आज मैं आपको एक टिप्स शेयर करता हूँ, कुछ कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। वो ISO अगर कम है तो पिक्चर अच्छा आता है, और ISO जब ज़्यादा होगा तो पिक्चर में नॉइज़ आएगा। इसलिए जब लाइट कम होगा ISO तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ISO जब बढ़ता है तो लाइट ज़्यादा आता है कैमरे में और पिक्चर को ब्राइट बनाता है। तो इसलिए नेचर का फ़ोटो अगर आप डे लाइट में लेते हो तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वहाँ पर ISO कम रहने से भी ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा। मेरा कैमरा क्रॉप सेंसर है, इसलिए मैं कैमरे में ISO को 800 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 800 से ज़्यादा होगा तो नॉइज़ आएगा पिक्चर में। अगर आपका फुल फ्रेम होगा तो आप इजीली 6000 तक ISO को बढ़ा सकते हैं और अच्छा फ़ोटो भी आएगा। मेरा ये मानना है कि फ़ोटो अच्छे होने के लिए कैमरा बढ़िया होने का ज़रूरत नहीं है, वो जो दिमाग है ना, उस दिमाग का ज़रूरत है। वो जो दिमाग ने कंपोजिशन क्रिएट करेगा ना, उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे चैनल के साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह छोटा छोटा ब्लॉग आता रहेगा मेरा चैनल में। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।